हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड में टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं और यूज करते हैं। उसके लिए मैं एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट जो बनाया हुआ है, तो इसमें अगर हम टेबल्स डालना चाहेंगे तो हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट रिबन पर या इंसर्ट मेन्यू पर, या जाकर टेबल दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करने से ये ऑप्शन आएगा आपको। तो यहाँ देखिए आप कितना रोज कितना कॉलम्स का है, यहाँ से चूज कर सकते हैं। कोई भी कॉलम्स चूज करना है तो इतना चूज कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल कुछ ऐसा लाइन इतना सेलेक्ट करूंगा। ऐसे आप एक टेबल बना सकते हैं। देखिए जब भी ये टेबल सेलेक्टेड है, टेबल टूल से यहां आएगा तो इसमें जाकर आप कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत सी डिजाइन अवेलेबल है, तो ऐसा कोई डिजाइन सेलेक्ट किया तो अप्लाई होगा। उसके बाद ये देखिए ये हेडर रो है। हेडर रो का मतलब पहला रो। अगर आप कुछ लिखेंगे ऐसा, ऐसे आप हेडिंग लिख सकते हैं, कोई भी हेडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप हेडर रो की डिजाइन नहीं चाहिए तो ये निकाल दिया तो वो चला जाएगा। देखिए ऐसे चला जाएगा। और फर्स्ट कॉलम, ये जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम निकाल देंगे तो वो भी चला जाएगा, ऐसे रहेगा। अगर आपको चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं आप। और टोटल रो यानी कुछ वैल्यूज लिख के लास्ट लाइन में अगर टोटल लिखना चाहेंगे आप तो टोटल रो सेलेक्ट करेंगे। देखिए टोटल रो सेपरेट आएगा और निकाल देता हूँ। अभी लास्ट कॉलम चाहिए तो लास्ट कॉलम भी डिजाइन से आएगा। ऐसे आप कोई भी लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, देखिए यहाँ डिजाइन चेंज हो रहे हैं, कोई भी डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। कोई कलर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट कॉलम निकाल देता हूँ। तो अगर मैं क्या करूंगा, इस रो को सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके इंसर्ट रोज बिलो करूंगा। तो देखिए कितना रोज हमने सेलेक्ट किया उतना रोज नीचे इंसर्ट होगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम, जब भी ये टेबल सिलेक्टेड है टेबल टूल्स आएगा तो ये बैंडेड रोज निकाल देंगे आप। तो जो बैंड देखिए एक लाइट एक डार्क था वो चला गया। आपको फिर से चाहिए तो आप टेबल से लेके बैंडेड रोज सेलेक्ट कीजिए। देखिए ऐसे बैंडेड रोज आएगा, निकाल दिया तो बैंडेड रोज नहीं रहेगा। इसके बाद आप बैंडेड कॉलम्स लगाएंगे, देखिए बैंडेड कॉलम्स आएगा। दोनों लगाएंगे तो ऐसा आएगा। देखिए ऐसे आप बैंडेड रोज या बैंडेड कॉलम्स डाल सकते हैं। यूजुअली बैंडेड रोज डालने से अच्छा दिखता है। ऐसे हम डिफरेंट टेबल स्टाइल ऑप्शंस यहाँ से कर सकते हैं। टोटल रो चाहिए तो टोटल रो या नहीं चाहिए तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ शेडिंग में जाकर अगर सिंगल कलर कुछ देना चाहेंगे पूरा टेबल के लिए, पहले पूरा टेबल सेलेक्ट करना जरूरी है। तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर लो, कितना सेलेक्ट करेंगे उतना शेडिंग चेंज होगा। देखिए पूरा टेबल का आप क्लिक करेंगे, देखिए पूरा टेबल ऐसा हो गया। तो कंट्रोल जेड करता हूं मैं, तो कोई भी स्टाइल यहाँ से आप चूज करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल है तो वो आप डालना चाहेंगे तो आप डाल सकते हैं। देखिए ऐसे डाल सकते हैं या शेडिंग में जाकर कोई कलर डालना चाहेंगे, देखिए ऐसे पूरा कलर चेंज कर सकते हैं आप। क्लिक करने से अप्लाई हो जाएगा। नो कलर कहेंगे तो देखिये ऐसा आएगा। तो मोर कलर सेलेक्ट करना चाहिए, ज्यादा कलर से यहाँ कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करके एक स्टेप पीछे जाऊंगा। ऐसे हम डबल क्लिक करने से यहाँ जाकर देख सकते हैं, पोर्शन में डबल क्लिक करा तो किया तो आप टेबल टूल्स आ जाएगा, उससे यूज कर सकते हैं। ऐसे शेडिंग हमने देखा, कलर चेंज करना, मोर कलर्स में जाना, सब कुछ। और यहाँ बॉर्डर्स चेंज करना चाहेंगे, देखिए अभी मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं पूरा बॉर्डर सारा यहाँ। नो बॉर्डर सेलेक्ट किया और फिर से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं पूरा बॉर्डर्स आएगा। अगर आप नो बॉर्डर सेलेक्ट किया फिर से नो बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर लिखा, देखो फिर सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स आता है। तो फिर से नो बॉर्डर करके मैं
इनसाइड बॉर्डर सेलेक्ट किया, सिर्फ इनसाइड के लाइन आते हैं। ऐसे आप कोई भी बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इसके बाद आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में जाएंगे तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, ऑल है, तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है, तो वो सेलेक्ट करके अगर ऊपर वाला लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, बीच वाला लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ जाकर पूरा टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। देखिए ऐसे सेलेक्ट करके मैंने कहा अप्लाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कलर चेंज हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूं मैं और इसे डबल क्लिक करने पर टेबल्स टूल आएगा, टेबल टूल्स यहाँ आएगा। तो बॉर्डर एंड शेडिंग में आप ऐसे कोई भी कस्टम ग्रेड ऑल सब कुछ बॉक्स नन किया तो करके ओके करेंगे तो आप देखिए कोई लाइंस नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाकर, शेडिंग में जाकर आप कलर भी चूज कर सकते हैं। देखिए तो देखिए ऐसे आप पैटर्न्स सब कुछ डाल सकते हैं, कलर्स, बॉर्डर्स और शेडिंग में जाकर। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक स्टेप वापस जाने के लिए। ऐसे आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, कोई भी डिजाइन, या बहुत सी डिजाइन अवेलेबल है तो कोई भी डालना चाहेंगे तो आप डाल सकते हैं। और बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाकर आप शेडिंग्स भी कलर डाल सकते हैं। देखिए कोई भी शेड डालना चाहेंगे आप डाल सकते हैं। तो ये होगा हमारा डिफॉल्ट कुछ स्टाइल्स जो अवेलेबल है यहाँ। इसके बाद मैं दिखाता हूँ टेबल्स ड्रॉ कैसे करते हैं। तो टेबल्स ड्रॉ करने के लिए हम इंसर्ट जाएंगे, टेबल में जाएंगे, ड्रॉ टेबल एक ऑप्शन है यहाँ। तो ऐसा आप सेलेक्ट करके एक माउस बटन पकड़ के खींचेंगे ड्रॉ टेबल सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद कितना लाइंस चाहिए आप खींच कर कर सकते हैं। देखिए आपकी मर्जी के हिसाब से आप ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। बीच में चाहिए आपको एक लाइन तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप, कितना लाइंस चाहिए वो टेबल्स बना सकते हैं। तो ये इसमें आप मन चाहे ऐसा कर सकते हैं। इसमें जाकर आप लाइन का स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ जाकर लाइन चूज किया मैंने, ऐसे आप लाइन स्टाइल भी चूज कर सकते हैं यहाँ जाकर, और उसका थिकनेस भी कितना पॉइंट्स होनी चाहिए वो भी चूज कर सकते हैं। और अगर आप डायगोनली कुछ लिखना चाहेंगे ऐसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं और कलर भी चूज कर सकते हैं। इस बार आपने रेड ब्लू किया तो आप ब्लू कलर डाल सकते हैं, रेड कलर सेलेक्ट किया तो रेड कलर डाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी के हिसाब से एक नीट टेबल भी बना सकते हैं आप। ऐसे बना सकते हैं। अगर मैंने इरेजर लिया तो इरेजर कर डिलीट कर सकता हूं कुछ लाइंस। देखिए ऐसे पूरा लाइन भी अरेज कर सकता हूं। तो पूरा लाइन डिलीट करने के लिए पूरा लाइन ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ऐसे हम कुछ भी डिलीट करना चाहें तो इरेजर लेकर आप इरेज कर सकते हैं। ऐसे हम इरेजर यूज कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल यूज करके लिख सकते हैं, पेन का कलर चूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये सब निकाल दूंगा। अभी एस्केप दबाने से इरेजर चला जाएगा। उसके बाद ये सेलेक्ट करके मैं कट करता हूँ डायरेक्ट कट, राइट क्लिक कट। ऐसे आपको सब कुछ कट कर देता हूँ। और यहाँ जाकर टेबल्स में जाकर कुछ टेबल, एक सिंपल सा टेबल डालेंगे। तो ऐसा एक टेबल डालेंगे हम। तो यहाँ जाकर मैं अगर चारों रो सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया,
ज्यादा सेलेक्ट कर दे, ये देख रहे हैं आप यहाँ बाहर भी आ गया, इतना नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ वो टेबल को सिलेक्ट कीजिए, एक क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट, इंसर्ट रोज बिलो हमने कहा, तो अब देखिए यहाँ कुछ आया, तो सीरियल नंबर नेम्स ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप कुछ भी। ओके, इसके बाद अगर मैंने यहाँ कुछ लिखा, देखिए डाउन एरो प्रेस करने से नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट उसी कॉलम में, नेक्स्ट रो में जाएगा, तो इस टेबल में एक दो तीन चार पांच कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रोस है। तो ऐसा कुछ लिखा मैंने, अगर यहाँ दो रो सिलेक्ट किया बीच में मैं, और मैंने कहा इंसर्ट कॉलम्स इन रोज अबोव, तो उसके ऊपर इंसर्ट होगा, देखिए उसके ऊपर होगा। अगर मैंने ये दोनों सिलेक्ट किया, एक सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट रोज बिलो कहा, तो इसके नीचे आएगा। तो ऐसे आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं बीच में, और आप कॉलम्स को इंसर्ट करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, लेफ्ट में कॉलम आएगा, उसके बाद इंसर्ट कॉलम टू द राइट करेंगे तो देख सकते हैं राइट साइड में कॉलम है। ऐसे आप इंसर्ट करते जा सकते हैं। आप दो कॉलम, तीन कॉलम सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो तीन कॉलम इंसर्ट होगा, दो रोज सेलेक्ट करेंगे दो रोज इंसर्ट होगा इंसर्ट करने पर। ऐसे आप कोई भी रोज सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट सेल्स, अगर हमने कहा फॉर एग्जाम्पल यहां जाऊंगा मैं और ये सेल लेकर डिलीट सेल करूंगा, तो पूरा सेल लेफ्ट शिफ्ट होने के लिए कहूंगा, तो देखिए एक सेल डिलीट हो गया। अगर पूरा रो डिलीट करना है, पूरा रो सिलेक्ट करूंगा मैं राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स, देखिए ऐसे डिलीट कर सकते हैं, या बीच में करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं आप। डिलीट सेल्स देखिए पूरा डिलीट हो गया, तो कंट्रोल जेड करता हूं एक स्टेप वापस जाने के लिए मैं। इसके बाद अगर मैंने तीन रोज सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पहला रोज सेलेक्ट कर रहेंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो आप इसे मर्ज बना सकते हैं, मर्ज सेल्स क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक सेल बन गया वो। ऐसे आप एक सेल बना सकते हैं अगर आप कंपनी का नाम कुछ या टाइम टेबल बनाना चाहेंगे, टाइम टेबल बनाना चाहेंगे तो आप ऐसा कर सकते हो, और यहाँ पकड़कर बड़ा बना सकते हो, कोई भी लाइन पकड़कर आप खींच सकते हो इस तरफ और इस तरफ, देखिए ऐसा खींच सकते हो तो। और इस टाइम टेबल का साइज भी आप बढ़ा सकते हो 248 28 तो बोल्ड, ऐसा कर सकते हो। ऐसे आप मर्ज सेल कर सकते हो, कोई तीन चार सेल, एक से ज्यादा सेल, एटलीस्ट दो सेल सेलेक्ट करके आपको मर्ज करना चाहिए, एक सिर्फ एक सेल नहीं, एक सेल सेलेक्ट करने से वो मर्ज नहीं आएगा, आपको मर्ज ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर आपको स्प्लिट करना है तो ये रहा, एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करके स्प्लिट कीजिए, दो रोस और एक कॉलम, तो आप देख सकते हैं ऐसे होगा, आप इसे खींच के ठीक से रख सकते हैं। ऐसे आप एक सेल को स्प्लिट करने के लिए राइट क्लिक करके आप स्प्लिट कर सकते हैं, और मैं एक काम करता हूं तो ये दोनों रोस को सिलेक्ट करता हूं, मर्ज करता हूं राइट क्लिक करके, मर्ज सेल्स, देखिए पूरा एक हो गया। तो इसके अंदर अगर मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ इस सेल को, स्प्लिट सेल्स, दो रोस, दो चार कॉलम या पांच आठ कॉलम, दो रोस बनाना चाहता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स और टू रोस आ रहा है। ऐसे आप कितना चाहे उतना स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये सब हमने देख लिया, बॉर्डर्स एंड शेडिंग हमने देखा। उसके बाद सेल अलाइनमेंट देखेंगे हम। सो सेल अलाइनमेंट के लिए ये सेलेक्ट किया और राइट लिया क्लिक किया मैंने, और सेल अलाइनमेंट के लिए जाऊंगा तो देखिए अब मैंने ये कहा तो ऊपर आएगा। मैं इसे थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए। राइट क्लिक करके मैं सेल अलाइनमेंट में जाकर नीचे वाला सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं नीचे आया, सेल अलाइनमेंट ऐसा किया तो आप देख सकते ऐसा आएगा। अगर मैं सेंटर सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं सेंटर में आया, तो आप ऐसे कर सकते हैं सेल अलाइनमेंट, और टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप चूज कर सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं कंट्रोल जेड। अगर फॉर एग्जांपल टाइम टेबल लिख रहा हूं
तो ये सेलेक्ट करके मैं पहले मर्ज कर सकता हूं। तो यहां जाकर मैं अगर लिखा कुछ जैसा लंच आवर और इसका साइज, और अगर राइट क्लिक करके इसे टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करके ऐसा किया तो आप देखिए ऐसा कर सकते हैं, और इसका सेंटर लाइन भी बना सकते हैं, अलाइन सेल अलाइनमेंट सेंटर, तो आप देख सकते हैं ऐसे आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो हमने अलाइनमेंट देखा और टेक्स्ट डायरेक्शन भी देखा, तो इसके बाद स्प्लिट सेल्स भी देखा, डिलीट सेल्स, इंसर्ट हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे ऑटो फिट। देखिए ऑटो फिट किया, ऑटो फिट हम एक नया टेबल लेंगे इसके लिए, ये कट कर देता हूं मैं, तो एक नया टेबल लेंगे हम ऑटो फिट देखने के लिए। यहां मैंने राइट क्लिक किया, ये पूरा टेबल सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया कि ऑटो फिट टू कंटेंट्स कहा मैंने, तो देखिए कंटेंट्स कुछ नहीं है इसलिए खाली छोटा बन गया वो। अगर हम मैं कुछ लिखता जा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा बनता है, कितना कंटेंट्स है उसके अंदर उसके हिसाब से उस टेबल का साइज होगा, अगर कुछ कंटेंट्स नहीं है तो पूरा छोटा होगा टेबल। देखिए ऐसा फिट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूं और राइट क्लिक करता हूं, ऑटो फिट टू विंडो कहा तो विंडो तक फिट होगा, आप कितना भी लिखते जाइए। जितना आपका विंडो है उतना फिट होता जाएगा। ऐसा फिट होता जाएगा। उसके बाद अगर आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ कहा तो कॉलम विड्थ फिक्स हो जाएगा। अभी देखिए ये बहुत बड़ा विड्थ है तो आप कितना भी टाइप करते जाइए वो बड़ा नहीं बनेगा, तो रोज का साइज बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे तक, लेकिन विड्थ कॉलम का जो विड्थ है यहां से लेकर यहां तक वो चेंज नहीं होगा। कितना भी लिखते रहिए आप तो वो विड्थ नहीं चेंज होगा। ऐसे आप कॉलम का विड्थ फिक्स कर सकते हो देखिए, और इस छोटा कॉलम में ये भी बड़ा नहीं बनेगा, कितना भी लिखते जाओ कॉलम का विड्थ सेम रहेगा लेकिन रो बढ़ता जाएगा। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं अभी पूरा निकाल देता हूँ, कंट्रोल जेड, पहले जैसा था वैसे ही बना दूंगा। ओके, ऐसे आप कॉलम विड्थ फिक्स कर सकते हो। तो ऑटो फिट हमने देखा, तो इसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज जो है वो सब कुछ हम वर्ड रैपिंग में करें। वर्ड रैपिंग में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम करेंगे। तो आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ लिखा, तो फॉर एग्जांपल इसे हम करेंगे फिक्स कॉलम विड्थ करेंगे हम, कि फिक्स कॉलम विड्थ कहा मैंने, यहाँ लिखते जा रहा हूँ कुछ, अब देख सकते हैं यहाँ, तो ये रो बड़ा हुआ। और एक और लिखूंगा मैं यहां, देखिए इसका हाइट डिफरेंट है और इसका हाइट डिफरेंट है और इसका हाइट डिफरेंट है, ऐसे डिफरेंट है। हमको ऐसा नहीं चाहिए सब रोज एक ही हाइट में होनी चाहिए, तो हम इस पूरा टेबल को राइट क्लिक करके यहां जाके डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली कहा, तो हर एक रो जो बड़ा रो रहेगा उतने के साइज में हो जाएगा। और अगर मैंने, आप देख सकते हैं यहां एक कॉलम बड़ा कर दिया और एक कॉलम छोटा किया और एक बड़ा किया, तो ये अगर आपको अच्छा नहीं लगता ऐसे किया और राइट क्लिक कीजिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली कहा, तो हर कॉलम इक्वल बन जाएगा। देखिए इक्वल साइज, इक्वल रो, इक्वल कॉलम बन सकता है ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऐसे हम टेबल को बहुत सी फॉर्मेटिंग किया है इस वीडियो में, तो ड्रॉ टेबल भी देखा हमने कैसे ड्रॉइंग करना सब कुछ, तो आप भी कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल में जाकर ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। okay, उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल बताता हूं मैं, अभी ये कट करता हूं मैं, तो यहां जाकर अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3, 4, 5, 6 ऐसे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, कॉमा सेपरेटेड टेक्स्ट लिखा है, तो ये पूरा सेलेक्ट करके मैं टेबल्स में जाकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कहा, तो वो ऑटोमेटिकली देख सकते हैं यहाँ कॉमा सेलेक्ट कर लिया है। तो कॉमास से हिसाब ही जो हमने अक्षर लिखा वो कॉमास के हिसाब से सेपरेट हुआ टेक्स्ट है, तो मैं ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली वो टेबल बन जाएगी। यहाँ मैंने कॉमा नहीं डॉट डाल दिया इसलिए वो उसे ठीक से नहीं ले रहा। अगर आपने कॉमा की अगर मैंने कंट्रोल जेड करूंगा और ठीक से कॉमा डालूंगा इस बार, ओके, और ये पूरा सेलेक्ट करके मैं टेबल में जाकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कहा वो से, अभी देखिए पैराग्राफ समझ रहा है तो हम ठीक से सेलेक्ट नहीं किया, फिर से आप ठीक से सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉमा से लिया हुआ है, तो ओके किया तो ऐसा हो जाएगा, एक ऑटोमेटिकली एक टेबल बन जाएगा आपके लिए। तो इस टेबल में अगर हम इस टेबल को फिर से हम टेक्स्ट में बदलना चाहेंगे बिना टेबल के सिर्फ एक कॉमा सेपरेटेड या कुछ करना चाहेंगे तो इसे कंट्रोल जेड करूंगा मैं, तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, सिर्फ टेबल्स टेक्स्ट टू टेबल करेंगे। 2003 में था ऑप्शन टेबल टू टेक्स्ट कैसे करना, तो यहां नहीं है तो हम देखेंगे अगर मैं कोई ऑप्शन तो डेफिनेटली हम अपडेट करेंगे। तो इसके बाद इंसर्ट टेबल में जाकर अगर आपको हम बाहर क्लिक करेंगे ये टेबल रहने दीजिए, तो यहां अगर मैं टेबल में गया तो क्विक टेबल्स में जाता हूं तो आप देख सकते हैं बहुत से टेबल्स मिलेगा आपको। देखिए एक रेडीमेड टेबल्स है, कुछ आप यूज करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ, तो कुछ डिजाइन टेबल्स है, कुछ भी टेबल आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली सेलेक्ट करके, रेडीमेड टेबल्स है यहाँ कुछ, तो आप किसी टेबल को यूज करना चाहेंगे वो यूज कर सकते हैं, ये क्लिक कीजिए वो यहाँ आ जाएगा और उसके बाद आप डेटा चेंज कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो और रेडीमेड टेबल्स है वो आ जाएगा। ऐसे कुछ क्विक टेबल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में टेबल्स को कैसे यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, तो ये सब ऑप्शंस हमने देखा है। तो अगले आने वाले वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।